और नवनीत सिंह के जिंदा जलाली पाटना में आप सबकी सामती हो और खुदा मतलब सबको बहुत बरकत दे। और जी ये हम एक अच्छे पे आए हैं और ये बड़ा ज़बरदस्त मंजर था, बड़ी रिलैक्सेशन थी यहाँ पे, तो इतना मज़ा आया। व्हाट्सअप तरह मीटिंग पे गए थे तो उसके बाद फिर ये आप देख सकते हैं हर तरफ हरियाली ही हरियाली है। हरियाली नहीं पट्ठे वहाओ उन्होंने जड़ा वेख जड़ा जड़े तो काम करना आ रहे हैं स्पेशल वो दूर आपको शायद नजर आ रहा होगा, पट्ठा आप लोगों ने खुद ही ढूंढना है, हमने दिखाना है बस। हाँ जी, तो बड़ा ज़बरदस्त अभी हाँ जी मौसम बड़ा खूबसूरत बना हुआ है। और ये अभी जिस रास्ते से हम लोग गुजर के आए हैं ना, ये यकीन जाने पबजी खेलने वालों का ये ख़ास पैगाम है, लाइव पबजी खेलनी हो तो कभी हमारे साथ आएँ, आप लोगों को लाइव पबजी खिलाएंगे। मतलब कि गिर गिर के इतने कठिन रास्ते हैं और हो सकता है मैं इसके साथ वो वाली वीडियो अटैच करूं जहां पे बकायदा ये वीडियो बनाते बनाते और आगे क्योंकि रास्ता काफ़ी ये ख़राब था तो फिर कीचड़ में मेरे भाई गिर गए हैं, कुर्बानी दे दी उन्होंने कपड़ों की। सो खुदावंद आप सबको बरकत दे और अच्छा लगता है जब आप लोगों के साथ अपनी मेमोरी शेयर करते हैं और आप लोग प्यार करते हैं, अच्छे अच्छे फीडबैक भी देते हैं, कमेंट्स भी करते हैं और कुछ बहन भाई बकायदा रابطہ करते हैं जी हम लोग आप लोगों के साथ आना चाहते हैं। अच्छा खुशी बड़ी होती जब वो कहते हैं आप लोगों के साथ आना चाहते हैं, लेकिन फिर थोड़ा दिल टूट जाता जब बाद में फिर रابطہ नहीं करते। तो रابطہ किया करें ताकि मिलके सारे काम करें, यहाँ पे बहुत काम है करने के लिए, बहुत ज़्यादा भट्ठे हैं और बहुत ज़्यादा कलीसियाएँ हैं, लोग बिल्कुल तैयार बैठे हैं आप लोगों से कलाम सुनने के लिए, प्रस्ती सुनने के लिए, तो ज़रूर ज्वाइन करें जी हमें। हम तो हर रोज़ और हर दफ़ा आप लोगों को इनविटेशन देते हैं, इनवाइट करते हैं खादमों को, लीडरों को, एवेंजलिस्ट को, पादरियों को, आए मिल के काम करते हैं, खुदा हम सबको बरकत दे। आमीन जी। आमीन। ये जो बहुत ख़तरनाक रास्ते में से श्री शकील साहब और हमारे प्यारे भाई सैमुअल हंटली साहब, सर सर यादगार मोमेंट्स बोलो भी ना नाल फील्ड में है और बारिश हो गई है, बारिश में ऐसी सड़कों पे आना जाना एक खाला जी का वाड़ा नहीं है, ऐसे एरिया में आगे काम करना ये खुद में एक तरह का एडवेंचर है। प्रेज़ द लॉर्ड, खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा जलाली पाकना में आप सब मेरे भाई की सलामती हो। और इस वक्त हम तकरीबन चौथे भट्टे पे जा रहे हैं, तो बारिश बहुत ज़्यादा हो गई जिसकी वजह से आप मौसम बहुत ख़राब है और आप गाड़ी की आवाज़ें सुन नहीं रहे होंगे इधर से। तो खुदावंद की शुक्रगुजारी है कि खुदावंद ने इन रस्तों पर भी हमें जाने की तौफीक दी ताकि हम उसकी मौसम तो खुदा ने खुशगवार कर दिया लेकिन रास्ते जो है ना वो बस हमारे लिए क्या बताएं अब गिर गया सर उठो जरा
ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਬੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਖਤਰਨਾਕ ਬੰਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲੋ ਭਾਈ ਸਰ ਗੱਡ ਪਟਨੀ ਗੁੱਬੀ ਗੱਡ ਪਟਨੀ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹ ਕਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਉੱਤਰ ਜਾਣਾ।